नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की क्लास में बात कर रहे हैं हमारे पास में सीईटी की, और सीईटी में मैंने आप लोगों को अगर बात करूं मैं साइंस की, तो पहली जो क्लास हुई है वो सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में चर्चा करी, फॉर्म के बारे में चर्चा करी, और आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं उसके सेकेंड पार्ट की, यानी कि हमारा भाग एक जो था वो भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। वापस छोटा सा इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को कि क्या चीजें हमने पढ़ ली है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ के आकार में, आकृति में, उसके अवस्था में, उसके ताप, दाब और उसके आघात वर्धनीयता में, गलनांक और क्वथनांक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं। भौतिक परिवर्तन में कभी भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उसके अंदर उसके आकार तो परिवर्तित हो सकता है लेकिन रंग रूप में, गंध में और उसकी प्रकृति के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर आप कहेंगे, अगर आपके पास में प्रश्न आता है कि साहब मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन अगर मोम को पिघल कर, मोम जो ठोस अवस्था में है उसको पिघला कर आप लोगों ने किसी दूसरी आकृति या शेप में बदल दिया है तो वो एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ चीजें ऐसी महत्वपूर्ण है जिन्हें आपको समझना होगा। तो भौतिक परिवर्तन में क्या क्या चीज होगी? एक तो पहली बात उत्क्रमणीय होगा, यानी कि जिस अवस्था में वो अभी है या जिस स्टेज पे वो है उसको बदला जा सकेगा। जैसे आप लोगों ने बर्फ को पानी बनाया और पानी को पुनः बर्फ बनाया तो ये उत्क्रमणीय है। दूसरी बात, इसकी आकृति जो है वो अलग अलग बदली जा सकती है, जैसे कि पानी और ग्लास के ऊपर ने बात करी, भौतिक परिवर्तन ही है। आकार परिवर्तित किया जा सकता है, अवस्था ठोस, द्रव और गैस के अंदर। देखो एक चीज यहाँ पर और शब्द में लिख रहा हूँ, एक शब्द और लिखेंगे, इस बात भी करेंगे अपन। एक होता है द्रव्य, आप किताबों में कई बार पढ़ेंगे हिंदी में लिखा होता है द्रव्य, और एक लिखा होता है द्रव। तो आपको लगेगा कि हो सकता है लिखने में इन्होंने समान ही लिखा है, क्योंकि हम बात दसवीं की कर रहे हैं और आप लोगों ने क्योंकि एग्जाम दिए हुए या दसवीं पास किए कुछ समय हो चुका है तो हो सकता है आप लोगों को द्रव्य और द्रव में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। फिर हमारे पास में आता है गलनांक। गलनांक के विषय में हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि गलनांक क्या है, है ना। एक और आता है क्वथनांक। यहाँ पर एक शब्द और ऐड हो जाएगा, वाष्पीकरण। ये तीन चीजें हमें आज क्लियर करनी है, गलनांक, क्वथनांक और वाष्पीकरण, क्योंकि कल वाले वीडियो में अपन ने जो बात करी थी उसके बाद के ये पॉइंट है और आप लोगों को ये समझ में आ ही चुका होगा। हमें बात करनी है द्रव्य और द्रव की, और आज के वीडियो में हमें बात करनी है रासायनिक परिवर्तन की। तो आप अगर जिन्होंने यहां तक नहीं उतारा है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है पुराने वाला, एक बार पहले वो वीडियो देख लें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, जो रीट का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस आती है, दैनिक विज्ञान शब्द आता है, उनके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कक्षा दसवीं में है, कक्षा नौवीं में है, उन लोगों के लिए अलग से वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं में जो बायोलॉजी के विद्यार्थी है उनके लिए भी अलग से है। प्रयोगशाला सहायक में जिन्होंने भर्ती में तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की वीडियो पूरी एक सीरीज बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं अपन सीईटी के दूसरे व्याख्यान की, और इसमें हम बात करेंगे द्रव्य की, गलनांक की, क्वथनांक की, और एक यहाँ पर शब्द नया जुड़ जाता है, वाष्पीकरण की। चलिए ऊपर वाला टॉपिक हम क्लियर कर ही चुके हैं, भौतिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको समझने की कोशिश अपन करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे क्लियर देखें आप सभी लोग, उससे आपको काफी मदद मिलेगी। एक शब्द आता है यहाँ पर द्रव्य और एक शब्द आता है द्रव। एक्चुअल में द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, और द्रव जो आपकी एक अवस्था है, द्रव क्या है आपकी एक अवस्था है, यानी कि द्रव्य कोई भी पदार्थ हो सकता है। अब द्रव्य में क्या क्या हो सकता है? कोई ठोस हो सकता है, द्रव्य में क्या हो सकता है? कोई गैस हो सकती है, द्रव्य में क्या हो सकता है? द्रव हो सकता है ना। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य शब्द आता है पदार्थ के लिए और द्रव शब्द आता है लिक्विड के लिए, यानी कि तरल अवस्था के लिए, जो कि हम किसे कहते हैं तरल अवस्था। तो ये शब्दों का फेर है, ध्यान रखना है इसका। एक यहां पर एक पॉइंट और आया था जिसकी हमने बात करी, गलनांक।
ऐसा बिंदु पदार्थ का वह बिंदु जिस पर वह पिघलता है, यानी कि जहां पर वह मेल्ट हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, गलनांक कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जाए, मैंने बताया था आप लोगों को बर्फ जो होता है, बर्फ को अगर आप गर्म करते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ पानी की अवस्था में आ जाता है। और यही कारण है कि आप अगर इसे कहेंगे कि बर्फ 0 डिग्री पर क्या किसमें आ जाएगा, पानी में आ जाएगा, और पानी को अगर 0 डिग्री पर ले जाएंगे तो किस अवस्था में आ जाएगा, बर्फ आ जाएगा। यानी हालांकि बर्फ जमाने के लिए थोड़ा सा और नीचे जाना होगा तब जाके बर्फ जमेगा, लेकिन शुरुआती दौर कौन सा होता है, 0 डिग्री होता है। तो पानी का अगर गलनांक की बात करूं तो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, यानी बर्फ का गलनांक क्या होगा, 0 डिग्री होगा। एक शब्द और यहां पर हमने उपयोग लाया है, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक वह बिंदु, ताप का वह बिंदु जिस पर पदार्थ उबलता है। ये बहुत ही छोटी लेवल वाली डेफिनेशन है ताकि हमें समझ में आ जाए क्वथनांक क्या है, जिस पर कोई चीज उबलने लग जाए। पानी हमेशा ध्यान होगा आप लोगों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान रखना सेंटीग्रेड शब्द यूज कर रहा हूं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको पानी उबलता हुआ मिलेगा। अगर यहां पर सेंटीग्रेड शब्द आया है तो एक केल्विन भी आएगा, 273 अगर आप जोड़ देते हैं उसमें तो केल्विन बन जाएगा। कैसे याद रखेंगे अपन सेंटीग्रेड और केल्विन में, एबीसीडी जब आप लोग लिखते हैं तो पहले ए बी और उसमें आता है सी पहले आता है, और सी के बाद आएगा लास्ट में आने के बाद में आपको के मिलेगा, यानी ए से सी की तरफ जाएंगे तब आपको के की प्राप्ति होगी। तो डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में, इसमें आपको नंबर प्लस हुआ ना, डी भी हुआ, ई भी आया, एफ भी आया, जी भी आया, इसी तरह से इसमें भी प्लस होगा, कितना प्लस होगा, 273, तो हमें क्या बन जाएगा वो केल्विन। जैसे कि मेरे पास में बर्फ 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मैं इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 0 डिग्री प्लस 273 केल्विन कर दूं तो मेरे पास में 273 केल्विन जो है वो किसका आ जाएगा, बर्फ का आ जाएगा। अगर पानी उबल रहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो मैं 100 डिग्री के साथ में किसको जोड़ दूंगा, 273 को जोड़ दूंगा, तो 373 केल्विन आ जाएगा। तो केल्विन शब्द आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जिन लोगों ने अभी तक इस चीज को नहीं समझी है वापिस समझने की कोशिश करना। देखिए केल्विन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, कहीं बार आप लोगों को डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में सीधा बदलना होगा। जब भी डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना हो तो इसमें 273 का आपको प्लस कर देना, ऐड करना है इसमें। अगर मान लो आपको किसी की डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, केल्विन में बदलने के लिए 2 को 273 में जोड़ लेना है, तो 275 हो जाएंगे और ये केल्विन में बदल गया। इसी का विपरीत ये प्रश्न बन जाएगा कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का प्रश्न बन जाएगा। अगर बहुत इजी प्रश्न आता है तब डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन बनता जा सकता है। अगर कोई आपको कह दे कि साहब चेंज करके 473 केल्विन को आपको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना, कुछ नहीं करना है, 473 में से 273 को घटा लीजिए, माइनस कर लीजिए आप। जैसे इसमें से माइनस करेंगे आप तो कितना डिफरेंस आएगा, 200 का, तो 200 डिग्री फर्क आएगा, है ना। इन दोनों में माइनस करने पर कितना आएगा, 200। किसी भी चीज को, यानी डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में बदल सकते हैं और केल्विन को हम किस में बदल सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं। गलनांक और क्वथनांक के बाद में एक शब्द और आएगा यहाँ पर, वाष्पीकरण, बड़ा ही महत्वपूर्ण वाला शब्द है वाष्पीकरण। ये डिग्री सेंटीग्रेड वाले सवाल ध्यान रखना बहुत ईजी होते हैं और आराम से कर पाते हैं और ये बनते भी हैं। एक शब्द आता है वाष्पीकरण। देखो वाष्पीकरण क्या है, है ना, ये भी एक प्रकार की अवस्था परिवर्तन है, अवस्था परिवर्तन, लेकिन इसकी खासियत यह है कि वह क्वथनांक से मांग से
कम ताप पर प्रभावी होता है ना। देखिए आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के दिन हो बारिश के दिन हो, आप लोगों की जो कपड़े सुखाने के लिए तार लगे होते हैं उसके ऊपर आप लोगों ने कोई कपड़े को सुखा दिया है ना। अब आप देखोगे कि मैंने क्या बोला, पानी कितने डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और सनराइज ये अपने पास में ये लाइट आ रही है सनलाइट, ऐसा थोड़ी है कि जो सूर्य है वो आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्मी दे रहा है, नहीं, हो सकता है कभी वो 20 का भी दे दे, हो सकता है कभी 27 दे दे, गर्मी का बहुत ज्यादा मौसम है तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा, लेकिन 100 तो कभी नहीं जाएगा, फिर भी वो कपड़ा सूख जाता है। और आप लोगों ने उसकी भाप बनते हुए देखा है तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि पानी क्वथनांक बिंदु पर नहीं गया फिर भी वो पानी वेपरेट होके यानी कि वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, इसे हम वाष्पीकरण कहेंगे। अवस्था में परिवर्तन होने बिना, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा उसके बिना क्वथनांक के जाए, है ना, यानी क्वथनांक पर नहीं पहुंचते हुए भी उसके अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे आप वाष्पीकरण शब्द उपयोग करेंगे। कहां काम आता है वाष्पीकरण, इसमें भी प्रश्न बनता है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये 9th क्लास, देखो मैं जो ये आपको पढ़ा रहा हूँ वो 9th क्लास और 10th क्लास का सारा है। अब एक दिन ऐसी क्लास देंगे संडे के दिन जिस दिन 9th और 10th के बुक को ही उठा करके मैं आपको बताऊंगा, जिससे मदद क्या मिलेगी आपको, मदद ये मिलेगी उसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन है वो समझ पाएंगे। देखिए अगर वो पूछ ले आप लोगों को कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण वो प्रभावित करने वाले, तो आपको ये ध्यान रखना है वाष्पीकरण को कौन प्रभावित करता है। एक तो प्रभावित करता है क्षेत्रफल, प्रभावित क्या करता है, क्षेत्रफल। अगर किसी वस्तु की क्षेत्रफल जितना ज्यादा उतना ही जल्दी वो वाष्पीकृत होगा। आप लोगों ने देखा होगा मम्मी या कोई भी घर में या आप लोग भी जब कपड़े सुखाते हो तो उसको पूरा फैला के सुखाते हो, वो जल्दी सूख जाता है क्योंकि हमने क्या कर दिया, क्षेत्रफल बढ़ा दिया। क्षेत्रफल जितना ज्यादा वो उतना ही जल्दी सूखेगा। घर के अंदर जब पानी गिर जाता है फर्श पे तो आप लोग जो क्या करते हैं उसको पोछा लगा के साफ कर लेते हो, ज्यादातर पानी तो उस पोछे में चला जाता है लेकिन कुछ पानी बच जाता है उसे आप फैला देते हो। और फैलाने का मतलब ये हुआ कि पानी फैल गया, क्षेत्रफल बढ़ गया तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। इसीलिए जो तालाब है उनका वाष्पीकरण ज्यादा होगा बनस्पत किसी दूसरे जो पोखर बने हुए उससे, यानी कि क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ज्यादा होगा। दूसरी चीज वहां पर होती है पवन या वायु, वायु को अपन पवन शब्द से उपयोग कर रहा हूं। अगर कहीं पर आप लोगों को हवा चल रही है तो वाष्पीकरण और बढ़ जाएगा गर्मी के दिनों में, इसीलिए जो तालाब है उसका वाष्पीकरण ज्यादा होता है। आपके कपड़े नहीं सूखते या पोछा लगाने पर नहीं सूखते तो मम्मी उस पंखे को चालू कर देती है, उसका प्रभाव है वाष्पीकरण। एक बार प्रश्न पूछा हुआ था कि कपड़ों को फैलाकर सुखाया जाता है किस प्रकार का प्रभाव, वाष्पीकरण का प्रभाव है ना, उसको वाष्पीकरण को प्रभावित करने के लिए करते हैं। कभी ये भी पूछा जाए कि अगर पंखा क्यों चला दिया जाता है पोछा लगाने के बाद में, तो लिख देना कि वाष्पीकरण का प्रभाव है, ये वाष्पीकरण के प्रभाव है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है उसके अंदर, अगर पवन या वायु हम बात कर रहे हैं उनकी तो उसमें हो जाएगा एक ताप का प्रभाव। तीसरा प्रभाव कौन सा आता है, ताप का प्रभाव, मार्कर ने दम तोड़ दिया, चलिए तापमान का प्रभाव। देखिए तापमान बढ़ेगा तब भी वाष्पीकरण बढ़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के दिनों में आसानी से कोई चीज सूख जाती है जबकि सर्दी और बारिश के दिनों में आसानी से कोई चीज नहीं सूखती, कपड़े नहीं सूखते। तो ये तीन मुख्य प्रभाव हैं, है ना, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में। ये आप लोगों के भौतिक परिवर्तन के अंदर ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिनको मुझे कंप्लीट कराना था। आज की क्लास में बस इतना ही ले रहा हूँ, अगली क्लास में हम रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे और समझना है कि क्या महत्वपूर्ण है। तब तक अपने मित्रों को इसे शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।